हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिवा स्कूल। वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। सो चिल्ड्रंस, आज हम इंग्लिश में, इंग्लिश की जो हमारी नोटबुक है उसमें ए और एन का यूज करेंगे। ओके, पहले क्लास वर्क लिखेंगे और आज की डेट लिखेंगे। तो आज की डेट क्या है? आज की डेट है 23, मंथ है 9, ईयर है 2021। ओके, अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ ए एंड ए एन। ओके, हमने आगे की वीडियो में टेक्स्ट बुक में किया था, है ना? टेक्स्ट बुक में हमने ए और एन का यूज किया था ना। अब हम यहाँ पर आज नोटबुक में भी करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाला यूज ऑफ ए एंड ए एन। अब यहाँ पर पहले हम इस तरीके से एरोप्लेन, उसके बाद यहाँ पर ग्लास, के बाद डैश एम्बुलेंस। पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद ए और एन का यूज करेंगे। ओके, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स, आर ए टी, रैट, आई सी ई, सी ई ए, सी आर ई ए एम, आइसक्रीम, ई वाई ई आई, जेड ई बी आर ए, जेब्रा। ओके, अब हम ए और एन का यूज करेंगे। तो जैसे मैंने आगे आपको बताया था कि जहां पर वॉवल्स हो, जैसे कि ए ई आई ओ यू फर्स्ट लेटर हो, वहां पर ए एन का यूज होगा। ओके, एंड बाकी के जो हमारे कॉन्सोनेंट्स है तो वहां पर ए का यूज होगा। ओके, तो देखिए एरोप्लेन, तो फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवल है ना, तो ए एन का यूज होगा। उसके बाद ग्लास, तो जी फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए का यूज होगा। उसके बाद टी ए पी, टैप, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज होगा। उसके बाद एम्बुलेंस, फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवल है, तो ए एन का यूज होगा। ओके, उसके बाद ऑक्स, फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवल है, तो ए एन का यूज होगा। ओके, उसके बाद आइसक्रीम, फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवल है, तो ए एन का यूज होगा। ओके, उसके बाद आई, फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवल है, ए एन का यूज होगा। और जेब्रा, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज होगा। ओके, इसी तरीके से आप लोगों को करना है। समझ में आया ना आप लोगों को? जहां पर वॉवल हो वहां पर ए एन का यूज करना है, और जहां पर कॉन्सोनेंट्स हो वहां पर ए का यूज करना है। ओके, तो इसी तरीके से आपको भी आपकी इंग्लिश की नोटबुक में कंप्लीट करना है।